अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी जीप अपनी 7-सीटर एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये एसयूवी जीप कंपास पर आधारित होगी, जिसे जीप कमांडो नाम दिया जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता, उनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीप कंपास को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हाल ही में कंपनी ने इस एसयूवी का एक टीजर वीडियो जारी किया था। इस एसयूवी को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने के बाद भारत भी लॉन्च करेगी। भारत में इस एसयूवी को कंपनी किसी और नाम से लॉन्च कर सकती है, क्योंकि कमांडर नाम कॉपीराइट महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है। और इसको और इससे पहले जनवरी में कंपनी ने अपनी कंपास का एसयूवी 7-सीटर लॉन्च किया था, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। जीप कमांडर का नाम बदलकर पेट्रियट भी रखा जा सकता है। जीप की इस नई एसयूवी में दो तरह के इंजन पेश किए जाएंगे। पहला है रैंगलर वाला 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा है 2.0 लीटर का कंपास वाला डीजल इंजन। डीजल इंजन की चॉइस दी जाएगी। बता दूं कि रैंगलर में दिया गया 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 268 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, 400 nm का टॉर्क। लेकिन जीप कमांडर के अंदर इंजन को कम आउटपुट के हिसाब से लॉन्च किया जाएगा। और दूसरी तरफ है कंपास वाला 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 172 bhp और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन जीप कमांडर के अंदर इसी इंजन को ज्यादा आउटपुट के साथ और ज्यादा bhp के साथ लॉन्च किया जाएगा। जीप कमांडर के अंदर 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन पेश किया जाएगा, जो 200 bhp की पावर और 400 nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। टेस्टिंग के दौरान नजर आई ये एसयूवी वैसे तो पूरे कवर के साथ स्पोर्ट की गई है, मगर इसमें कुछ अलग से डिजाइन और एलिमेंट्स देखे गए हैं, जिनमें कुछ वी शेप के, में राउंड शेप के व्हील आर्क, फ्लैट रूफ लाइन, ऊंचा टेल गेट और रियर क्वार्टर ग्लास शामिल है। और जीप कमांडर के इंटीरियर में मिलने वाले एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, बिग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और इस एसयूवी के अंदर लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। जीप की अपकमिंग 3 रो वाली एसयूवी जो भारत में पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखी गई, इसे 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और MG ग्लोस्टर से होगा। और इसी बात पे कार ऑटो शो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर। क्या जीप कमांडर टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लोस्टर और फोर्ड एंडेवर कॉम्पीट कर सकती है? अगर फॉर्च्यूनर में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको दो इंजन मिल जाते हैं, पेट्रोल और डीजल। एक है पेट्रोल जो 163 bhp पावरफुल है, 45 nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा है डीजल इंजन जो 200 PS की पावर जनरेट करता है और 420 nm से लेकर 500 nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर फोर्ड एंडेवर की बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है, वो है 167 bhp का, इसके अंदर 420 nm का टॉर्क मिल जाता है। और MG ग्लोस्टर में 215 bhp मिल जाता है और 480 nm का टॉर्क मिल पाता है MG ग्लोस्टर के अंदर। जीप कमांडर के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, पहला है पेट्रोल और दूसरा डीजल। आपको 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। जीप कमांडर पेट्रोल में वॉक्सवैगन की टिगुआन और स्कोडा की कोडियाक को कॉम्पीट करेगी, और डीजल इंजन में फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लोस्टर को कॉम्पीट कर सकती है। इन दो नए पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आपको 8 स्पीड और 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। और इसके अलावा इस एसयूवी के अंदर 4x2 और 4x4 ड्राइव ट्रेन की चॉइस भी दी जाएगी। और इस अपकमिंग एसयूवी के अंदर 30 से 40 लाख रुपए तक एक्स शोरूम कीमत हो सकती है भारत में, और इसको भारत में पेट्रियट के नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।